शाम को रामचंद्र झा एक मार्बल व्यवसायी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई कोई गोलियां मारकर। पूर्व में भी उनकी हत्या की सुपारी दी गई थी और उनको जो मारने वाले व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार भी किया गया था एक अपराधी को। कल उनकी ये घटना हुई उसके मात्र 6 घंटे में एसपी पश्चिमी एवं एसपी फुलवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था जिसमें जो उनके मारने वाला मेन शूटर था उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कुल बताया जा रहा है कि 4 लोग शामिल थे जिसमें मेन शूटर को गिरफ्तार किया गया है। बिट्टू नाम का जो व्यक्ति जिससे उसकी पूर्व की दुश्मनी चल रही थी उसी ने उसको मारने की सुपारी दी थी। बाकी शूटर्स की तलाश में पुलिस गई है और जल्द से जल्द हम लोगों को उम्मीद है कि उनको गिरफ्तार कर लेंगे और जिस हथियार से गोली मारी गई है उसको भी हम लोग बरामद कर लेंगे। कितने की सुपारी दी गई थी? इसमें जैसे बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपया देने का वादा किया गया था कि 5 लाख रुपया दिया जाएगा और इसमें मुख्य बात यही है कि जनवरी में पिछले साल इसी साल जनवरी में भी इसी व्यक्ति को पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा जिसने 9 mm पिस्टल के साथ और इसको सुपारी दी गई थी उसको मारने के लिए।